अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। 80 से अधिक आयु पूर्ण करने वाले पेंशनरों का हुआ सम्मान। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ की प्रादेशिक बैठक संपन्न। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ की प्रादेशिक बैठक रविवार को स्टेशन रोड स्थित नूतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। महासंघ जिलाध्यक्ष SM लामबोरे ने बताया कि बैठक का शुभारंभ मुख्य अतिथि महासंघ प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, राज्य कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु वर्मा, भारतीय मजदूर संघ पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं सदस्य मप्र नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल एलेन मारू सहित प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया। अतिथियों का स्वागत जिलाध्यक्ष श्री लामबोरे, सत्यनारायण शर्मा, छगनलाल पिपलोदिया, पद्माकर फडणीस, श्री बाली, श्री राठौर, SN कारपेंटर, गोविंद कानूनगो सहित जिला कार्यकारिणी ने किया। प्रादेशिक बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने अपने भाषण में शासकीय कर्मचारियों की भांति महंगाई राहत स्वीकृत किए जाने, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 6वें वेतनमान का 32 माह का एवं 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर प्रदान किए जाने, पेंशनर्स को आयुष्मान योजना में शामिल किए जाने अथवा ₹1,000 प्रतिमाह चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिए जाने, शासकीय कर्मचारियों के समान पेंशनर्स की भी मृत्यु होने पर ₹50,000 एक्सग्रेसिया प्रदान करने, पेंशनर्स को 80 वर्ष की आयु पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन में संशोधन कर उक्त लाभ 70 वर्ष की आयु से दिए जाने, रेल यात्रा में 50% सब्सिडी प्रदान आदि मांगों पर बात रखी। साथ ही आगामी आंदोलन व बैठक पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात बैठक में 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले श्रीधर पाठक, MV भाले, श्रीनिवास व्यास, नरहरि ललित ऐसे 8 वरिष्ठों सहित जिले में संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले गेरुलाल व्यास का सम्मान शाल, श्रीफल भेंट कर एवं दुपट्टा ओढ़ाकर किया। बैठक में प्रदेश भर के 60 से अधिक पेंशनरों ने हिस्सा लिया। संचालन प्रदेश मंत्री PN तिवारी ने किया एवं आभार देवकरण शर्मा ने माना। इस अवसर पर प्रदेश भर के 60 से अधिक पेंशनरों ने बैठक में हिस्सा लिया। पर अपने अधिकार गवाकर कर सकते आराम नहीं, कर सकते आराम नहीं। अपने हित औरों के हित का अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम मेल मिलाने वाले शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम मोदी से खुश है, इनसे खुश नहीं है, वो भी रहे सारा साल यार किसका करेंगे। हम तो परेशान इसमें हैं कि सब लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी तो सरकार है, तुम जैसा चाह कर्मचारी पधारे हुए कार्यकारिणी तथा देवाद जिले के पदाधिकारी सदस्य बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरे जिसको कहना चाहिए पूजनीय गुरुजन सभी को प्रणाम है। मुझे लगता है इस सभा में सबसे छोटा मैं हूं, इसलिए ये वजह से बोल रहा था मैं थोड़ा असहज भी हो जाता हूं कि आप जैसे लोग अगर मेरे सामने बैठे हों और
फिर मंच पर कुछ बोलने का कहा जाए तो मुझे लगता है कि एक अपोध अपराध सा महसूस करता हूं। पर इतना जब कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे जो सिखाया है और जो मैं अपने आचरण में इसको ढाल पाया हूं या समाहित कर पाया हूं उसको बताने में मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं। ऐसा कहते हैं, सुना है कि पते फल की तीन पहचान। माता की जय। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कार्यक्रम आयोजित किया गया था आज हमारे द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी पेंशन महासंघ का प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया और क्या मांग रखी है आपने? हमारे द्वारा जिले के दो फाउंडर मेंबर जो है उनका सम्मान किया गया और पांच लोग जो है वो 80 साल की उम्र पार के हैं उनका स्वागत प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा किया गया तथा जिले की कार्यकारिणी द्वारा सभी प्रादेशिक और इनके स्वागत किया गया। पेंशनरों की समस्या भी उठाई गई, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि हमारे डीए का बराबर भुगतान नहीं हो रहा था जो कि अब हो चुका है लेकिन समय पर टाइम टाइम से होता रहे उसके लिए प्रयास करने के लिए शासन से निवेदन किया गया और दूसरा कि धारा 49 हटाने के लिए शासन को निवेदन किया है और हमारे डीए जो 27 और 32 माह का शेष है उसे देने के लिए भी निवेदन किया गया। कितने पेंशनरों ने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में? इसमें कम से कम 70 के आसपास पूरे जिले से पहुंचे थे। जिले और भोपाल प्रांत। ठीक है, आपका परिचय? SM लाम्बोरे, मैं सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशन महासंघ जिला देवास का जिला अध्यक्ष।